वैसे तो विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं, पर हम सबसे पहले देखते हैं क्रियात्मक विकास की ओर, डेट इज मोटर डेवलपमेंट। अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। अकॉर्डिंग टू दी हल्लॉक, क्रियात्मक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों से है जो जन्म के समय और मृत्यु के कुछ समय बाद तक निरर्थक एवं अनिश्चित होती है। यानी कि उनके अकॉर्डिंग, हॉलॉक के अकॉर्डिंग, जो हमारे शरीर में मांसपेशियां अवेलेबल है, उन मांसपेशियों और जो नाड़ी तंत्र है उनमें कोऑर्डिनेशन बैठा के हाथ पांव का जो मूवमेंट होता है, हम उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। एक अन्य क्रो एंड क्रो के अनुसार क्रियात्मक योग्यताओं का आशय उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। कहने का मतलब ये है, दोनों विशेषज्ञों के अनुसार कोई भी गतिविधि हमारे शरीर के अंदर होती है जिससे, जो कि मांसपेशियों से रिलेटेड होती है, नाड़ियों से रिलेटेड होती है, जन्म के पश्चात होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक गतिविधि कहते हैं। क्रियात्मक गतिविधि को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्थूल क्रियात्मक विकास और दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। अब जब हम क्रियात्मक गतिविधि की बात करते हैं तो क्रियात्मक गतिविधि हाथ का चलना, पाँव का चलना, आँखों का, पलक का झपकना, गर्दन का इस तरफ अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ना, आपका कमर का झुकाना, ये सब दौड़ना, भागना, चलना, ये सब कौन सी गतिविधि होती है? ये होती है क्रियात्मक गतिविधि, जिसमें कि मांसपेशियों का और नाड़ियों का संतुलन होना आवश्यक होता है। तो जब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, तो इसको मुख्यतः दो विभागों में विभक्त किया गया है। प्रथम है स्थूल क्रियात्मक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। स्थूल क्रियात्मक कौशल वह कौशल होते हैं या वह गतिविधियां होती हैं जिसके अंदर की बड़ी मांसपेशियां का उपयोग होता, बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जबकि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में वह गतिविधियाँ होती हैं जिसके अंदर छोटी छोटी और बहुत मांसपेशियों का यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम हाथों की बात करें तो जो लंबी मांसपेशियाँ हैं, जब हम भारी सामान को उठाते हैं तो भारी सामान में हमारे उंगलियों की मांसपेशियां काम नहीं आएंगी, आपकी हाथ की जो मसल्स हैं वह काम आएंगी, तो वो कौन सा होगा? स्थूल क्रियात्मक कौशल होगा। वहीं अगर आप सिलाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी फिंगर टिप्स काम आएंगी, क्योंकि उसकी उसमें फिंगर टिप्स काम आएंगी, तो उसमें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का कौशल होता है। ये जो गतिविधि होती है वो सूक्ष्म गतिविधि होती है। यदि हम बच्चों की बात करें या यदि हम मानव जीवन की बात करें, मानव जीवन की शुरुआत शिशुअवस्था से होती है। तो जब बच्चा शिशु होता है तो उसके अंदर सबसे प्रथम स्थूल मांसपेशियां काम करती है, उसके बाद वह सूक्ष्म क्रियात्मक विकास की ओर अग्रसित होता है। क्यों होता है वह? क्योंकि जो बड़ी मसल्स होती हैं वह पहले काम करना चालू करती है, उसके बाद वो सूक्ष्म मसल्स काम करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा पहले तो किससे लिखा, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चे को नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है, नर्सरी स्कूल में बच्चों की ग्रास्पिंग पावर, लिखने की पावर इतनी ही होती है। पहले बच्चे को केवल मौखिक रूप से सिखाया जाता है। मौखिक रूप से सिखाने के पश्चात उनको जो वैक्स कलर होते हैं, मोम के जो कलर होते हैं, उससे लिखने के दिया जाता है। उसके बाद में उन्हें पेंसिल पकड़ाई जाती है। तो आप देखेंगे कि वो पेंसिल पकड़ाई जाती है, और बच्चा जब फोर्थ क्लास में होता है तब बच्चे को पेन पकड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल धीरे 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 आता है। समझ रहे ना आप बात को? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि बच्चे को अगर खेलने के लिए दिया जाएगा, बॉल से खेलेगा बच्चा, तो बच्चा जब बॉल से खेलेगा तो पहले क्या करेगा, बच्चा फेंकना सीखेगा, बनिस्पत बच्चा उस बॉल को पकड़ने के बजाय वह बॉल को फेंकेगा। अब बच्चा जब बॉल को फेंक रहा होता है तो क्या होता है, उसके अंदर बड़ी जो मसल्स होती है, पूरी की पूरी बॉल को, पूरे अपने हाथों की जो मसल्स होती है उसे उठा के वह फेंकता है। वो ये नहीं कि बॉल आपने उठाई और बॉल को फेंक दिया। पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं कि जो बड़ी बॉल होती है छोटी उम्र में, सबसे पहले उसके लिए बड़ी बॉल लाई जाती है, बाद में उसके लिए छोटी बॉल बहुत बाद में लाई जाती है। क्यों?
क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले कौन सा कौशल का निर्माण होता है? स्थूल क्रियात्मक कौशल का निर्माण होता है, उसके बाद में उसमें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का निर्माण होता है। यदि बच्चे को स्कूल भेजा जाए, नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है, कभी भी बच्चे को डायरेक्ट ए बी सी डी या जो आपके अक्षर होते हैं वह नहीं लिखाए जाते हैं। बच्चों को क्या किया जाता है, पहले लाइनिंग बनाना सिखाया जाता है। जब बच्चा लाइनिंग बनाने में परफेक्ट हो जाता है, उसके बाद में उसको लेटर सिखाया जाता है, उसके बाद में उसको शब्द सिखाया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस इसलिए फॉलो किया जाता है कि बच्चों का एक उम्र तक पर्टिकुलर क्रियात्मक विकास होता है, उसके बाद जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे उनको वह चीज़ें सिखाई जाती है। क्रियात्मक विकास बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, इसमें एक बात यह भी होती है कि क्रियात्मक विकास कितना सिखाया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा उसका क्रियात्मक विकास उतना ही अच्छा होगा। तो आपने ये देखा कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों की गतिविधियाँ, दोनों जो विशेषज्ञों ने ये बात बोली है कि जो मांसपेशियों की जो गतिविधियाँ होती हैं उनके ऊपर क्रियात्मक विकास निर्भर करता है। हर चीज़ का हमारे जीवन में, हर विकास का हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व होता है, तो क्रियात्मक विकास का भी हमारे जीवन में महत्व होना स्वाभाविक है। तो क्रियात्मक विकास के ये निम्न महत्व होते हैं। सबसे पहला है उत्तम स्वास्थ्य। यदि आप ये सोचिए, यदि कोई छोटा बच्चा है या कोई व्यक्ति है, तो अगर वो पूरे फुल टाइम लेटा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसका स्वास्थ्य कैसा होगा? बनिस्पत वह बच्चा, वह व्यक्ति जो कि अपना काम स्वयं कर रहा है और काम में गेम्स खेल रहा है, तो जब हम गेम्स खेलेगा तो बच्चा मूवमेंट होगा, व्यक्ति का मूवमेंट होगा, तो डाइजेशन जो होगा वो अच्छा होगा, डाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा, भूख लगेगी, न्यूट्रिशन और लिया जाएगा शरीर के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर क्रियात्मक विकास हो रहा है तो फिजिकल और मेंटल मूवमेंट बॉडी का हो रहा है। जैसे ही फिजिकल और मेंटल मूवमेंट पॉजिटिवली शरीर के अंदर होता है, बट ऑब्वियस व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्रियात्मक विकास का होना बहुत जरूरी होता है। विभिन्न कौशल सीखने के लिए, बिल्कुल, आप जब तक आपका जो क्रियात्मक विकास है, वह क्रियात्मक विकास को कौशल का सीखने की जरूरत होती है, तभी तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करते हैं, उसको हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, पकड़ते ना हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, चम्मच से खाना सिखाते हैं, उसको मोटिवेशन करते हैं। अलग अलग स्टेजेस पे बच्चों की, अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों को अलग अलग तरीके से क्रियात्मक विकास की ओर बढ़ाया जाता है। तो यदि कोई बच्चा किसी कौशल को सीखना चाहता है तो उसके लिए क्रियात्मक विकास का होना बहुत ही जरूरी है। बिना क्रियात्मक विकास के लिए किसी भी तरह का कौशल नहीं सीखा जा सकता है। और कौशल अगर सीख लिया तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद अवांछित संवेग जो होते हैं, जैसे गुस्सा है, डर है, ये जो क्रोध है, इस तरह के जो अवांछित संवेग होते हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल, यदि किसी क्योंकि बच्चा कूदेगा खेलेगा तो वो जो पर्टिकुलर जो उस जो अवांछित संवेगों को उत्पन्न होने वाली स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों से वह दूर चला जाएगा या अपने आप को मेंटली दूर कर लेगा। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने बच्चे को डांट दिया, ठीक है, तो एक्स वाई जेड किसी भी कारण से बच्चे को डांट पिटी, तो वह उसमें उस चीज़ के प्रति गुस्सा आ गया। परंतु और अगर बच्चा क्रियात्मक विकास नहीं हो रहा है, क्रियात्मक विकास के कारण वह लेटा हुआ है, तो उसके संवेग और नकारात्मक संवेग बढ़ते जाएंगे। वहीं क्रियात्मक विकास के कारण वह अपने अवांछित संवेगों को बहुत अलग अलग तरीके से बाहर निकाल सकता है। किसी बच्चे की ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छी है, अवांछित संवेग आए, वह ड्राइंग एंड पेंटिंग में इतना तृप्त लीन हो गया है कि वह जो अपने अवांछित संवेगों के ऊपर उसने काबू कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिकता के विकास की ओर। यदि हमारा क्रियात्मक विकास होगा तभी तो हम सामाजिकता की ओर अग्रसित होंगे, तभी तो हमको एक दूसरे से लेना देना, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करना, समाज के लिए कुछ करना, समाज से कुछ लेना, ये तब सामाजिकता जो के बारे में बात करते हैं हम। सामाजिकता तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि क्रियात्मक विकास अच्छी तरीके से होता है। क्रियात्मक विकास नहीं होगा तो सामाजिकता नहीं होगी।
नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। छोटे बच्चे की यदि हम बात करें तो छोटे बच्चे को अगर बटन लगाना जैसा कार्य भी उसके लिए मुश्किल होता है, वह स्वयं के कपड़े बटन लगा लेता है, स्वयं तैयार हो जाता है, तो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्रियात्मक विकास हो रहा होता है, तो वह अपने लिए अपने आप को आत्मनिर्भर, क्योंकि अपना स्वयं का काम स्वयं करने लग जाता है, तो वह आत्मनिर्भर बनने लग जाता है। जैसे ही वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है, उसको आत्मिक संतुष्टि की भावना जागृत होती है। आत्मनिर्भरता और आत्मिक संतुष्टि एक साथ होते हैं। यदि आत्मनिर्भर बच्चा हो गया तो उसको उस कार्य करने से आत्मसंतुष्टि के अनुभव होगी। आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होने के बाद में उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्यों? क्योंकि वह क्रियात्मक विकास कर रहा है अपने आप का, क्रियात्मक गतिविधि कर रहा है। क्रियात्मक गतिविधि करने से उसको मानसिक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है, उसका शारीरिक ग्रोथ बढ़ रही है। शारीरिक ग्रोथ हो रही है, मानसिक ग्रोथ हो रही है, आत्मिक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है और अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न होता है। व्यक्तित्व विकास हेतु ऑब्वियस बात है, यदि हमारे पास जितने कौशल होते हैं, कौशल जितने ज़्यादा हमारे पास होंगे उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि मुझे ड्राइंग भी अच्छा आता है, यदि मेरी कर्सिव राइटिंग भी बहुत अच्छी है, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो और मेरे पास एडजस्टमेंट पावर भी बहुत अच्छी है, मेरा मतलब कहने का तात्पर्य है कि मेरा क्रियात्मक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, मेरे में बहुत सारी खूबियाँ आ रही हैं निखर के, तो मेरा विकास बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा विकास हो रहा है तो मेरे को समाज से, परिवार के लोगों से, टीचर से, पीयर ग्रुप से सबसे अप्रिसिएशन मिल रहा है। उस अप्रिसिएशन के कारण, उस मोटिवेशन के कारण मैं और क्रियात्मक गतिविधि सीख पा रहे हैं, और चूंकि मैं और अधिक क्रियात्मक गतिविधि सीख पा रहा हूँ, उसके साथ में मैंने गेम्स भी सीख लिया, ड्राइंग भी अच्छी है, पेंटिंग भी अच्छी है, गेम्स में भी बच्चा अच्छा है, राइटिंग में भी बच्चा अच्छा है, तो वो क्या है, उसका क्रियात्मक विकास बहुत अच्छा है। क्रियात्मक विकास उसने सीख लिया, सीखने के बाद उसका व्यक्तित्व और निखर के आ जाता है। समायोजन में सहायक होता है, बिल्कुल, समाज के साथ, पीयर ग्रुप के साथ और परिवार के साथ, अपने सिबलिंग के साथ में, इन सब के साथ में हमें कभी ना कभी दिन प्रतिदिन समायोजन करना ही पड़ता है, और यह समायोजन उतना अच्छा होगा जितना हमारा क्रियात्मक विकास अच्छा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यदि हमारे पास बॉल पकड़ने की पावर नहीं है, है ना, तो उस बच्चे को क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये कच्ची घुड़ी है, अक्सर ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने, क्योंकि बच्चा छोटा है और बड़ों के साथ में खेलना चाह रहा है, बड़े उसको खिलाना नहीं चाह रहे हैं, तो उसको खिला लेते हैं बच्चे, परंतु उसको अलग से रखा जाता है, वह अपने ग्रुप के साथ में ही खेलते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब है कि समायोजन जो होता है वो तब अच्छा होता है। छोटे बच्चों को क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि उसका उनके साथ में समायोजन अच्छा नहीं है, वह बॉल को उतनी अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पा रहा है जितना कि दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा पकड़ पा रहा होता है, तो उसका उससे समायोजन अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो समायोजन में क्रियात्मक गतिविधि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्रियात्मक विकास की कुछ विशेषताएँ होती हैं, इनमें से प्रमुख विशेषताएँ ये बताई गई हैं। सबसे प्रथम विशेषता है कि क्रियात्मक विकास मांसपेशियों और तंत्रिकाओं पर निर्भर करता है। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी क्रियात्मक विशेषताओं की, क्रो एंड क्रो के द्वारा और हल्लॉक के द्वारा, तब भी हमने देखा था, दोनों विशेषज्ञों ने ये बताया था कि क्रियात्मक विकास जो है वह किस पर डिपेंड करता है, आपकी मांसपेशियों पर और आपकी तंत्रिका तंत्र पर। जितना अच्छी आपकी मांसपेशियाँ हैं, जितना अच्छा आपका तंत्रिका तंत्र है, उतना आप कितना क्रियात्मक विकास होगा और आप उतने ही क्रियात्मक रूप से गतिशील रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपका क्रियात्मक, आपकी मांसपेशियाँ और आपकी तंत्रिका तंत्र बिल्कुल सही है, तो बच्चा 6 महीने में हल्का सहारे के साथ में बैठना चालू कर देता है, 8 महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठना चालू कर देता है, फिर वो सहारा के साथ में चलना चालू कर देता है, तो ये क्या है कि उसकी तंत्रिका तंत्र और उसकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, तो वह क्रियात्मक विकास कर पाता है। इसका हम उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं, वृद्धावस्था की तरफ हम अग्रसित होते हैं। वृद्धावस्था में तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ने लग जाता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं। जैसे ही तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, तो क्रियात्मक गतिविधियों में डिक्रीज एकदम से होना चालू हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, उसको लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उस
उस स्थिति में तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां मजबूत नहीं रहती, मजबूत होती है पर वो क्रियात्मक नहीं हो पाती है ना, क्योंकि वो पैरालिसिस का उसके ऊपर अटैक आया हुआ होता है। तो उस समय मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कारण क्रियात्मक गतिविधि नहीं हो पाती है। तो क्रियात्मक गतिविधि के लिए मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र पे डिपेंडेंट होते हैं। जितनी अच्छी तंत्रिका तंत्र और जितना अच्छी मांसपेशियां रहेंगी उतना ही क्रियात्मक विकास अच्छा होता है। नेक्स्ट है, इसका एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। इसका जो विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, उसका एक निश्चित क्रम होता है। इस क्रम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है मस्ताधोमुख और एक दूसरा है निकट से दूर। मस्ताधोमुख का मतलब होता है मस्तक से शरीर से दूर की तरफ होता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपनी गर्दन को मोड़ना सीखता है। यही होता है ना, सबसे पहले क्या करता है बच्चा का, नवजात शिशु जो होता है वह अपनी गर्दन को मोड़ना सीखता है। गर्दन को मोड़ने के पश्चात वह अपना करवट लेना सीखता है। तो वो क्या कहने का तात्पर्य है कि वो पहले मस्तिष्क की तरफ होता है, फिर बाकी धड़ के हिस्से में शुरू होता है। इसीलिए बच्चा सबसे लास्ट में चलना सीखता है, बैठेगा, घुटनों के बल चलेगा और फिर वो अपने जो चलना सीखेगा। तो उसका मतलब ये है कि वह मस्ताधोमुख होता है। दूसरा है कि इसका निश्चित क्रम होता है, वह निकट से दूर की तरफ होता है। निकट से दूर की तरफ का मतलब है कि पहले उसके शोल्डर्स, गर्दन मूवमेंट होगा, उसके शोल्डर्स मूवमेंट होंगे, शोल्डर्स मूवमेंट के बाद में उसकी हाथ का मूवमेंट चालू होगा, हाथ के मूवमेंट के पश्चात में उसकी लास्ट में उसकी उंगलियों की जो टिप्स है उसका मूवमेंट चालू होगा। मतलब निकट से दूर की तरफ हो रहा है, समझ रहे हैं बात को, सर से लेके नीचे धड़ की तरफ हो रहा है और निकट से लेके दूर की तरफ हो रहा है। सबसे लास्ट में जो है ये टिप्स होती है, फिंगर टिप्स, उन से फिंगर टिप्स का यूज होता है। नेक्स्ट है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका हमने एक एग्जांपल देखा था, बच्चा जब स्कूल जाता है तो बच्चे को सबसे पहले मोम कलर पकड़ाया जाता है, उस मोम कलर से बच्चा लाइनिंग बनाना सीखता है, फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखता है, और उसके बाद में हिंदी की वर्णमाला की तरफ जाते हैं। हिंदी की वर्णमाला की तरफ हम बाद में क्यों जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हिंदी की वर्णमाला को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम हिंदी की वर्णमाला को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी, परंतु अल्फ़ाबेट लिखना बच्चे के लिए बहुत ईजी है। ए लिखा, एक स्लैंटिंग लाइन इधर गई, एक स्लैंटिंग लाइन इधर गई, एक स्ट्रेट लाइन इधर गई, लिखना बहुत ईजी है। जबकि आप अ देखें तो अ में कर्व बनाना पड़ता है, फिर आपको स्लैंटिंग लाइन बनेगी, फिर आपकी इधर की लाइन बनेगी। तो कहने का मतलब है कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता जाता है। पहले बच्चा लाइनिंग बनाएगा, सीधी लाइन बनाएगा, फिर बच्चा टेढ़ी लाइन बनाएगा, फिर बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। ये क्या है, सामान्य है। सामान्य के बाद में बच्चा फिर अल्फ़ाबेट लिखेगा, अल्फ़ाबेट लिखने के बाद में कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखेगा, कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने के बाद में वह स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखेगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखने के बाद दो अक्षर लिखेगा। अभी तक मात्राएं नहीं आई हैं, है ना, अभी तक बच्चे ने मात्रा बनाना नहीं सीखा। उसके बाद में वह शब्द लिखेगा बिना मात्रा वाले, फिर उसमें मात्राएं आएंगी, मात्रा में भी आ की मात्रा जो कि एक सिंगल लाइन वाली होती है वह सीखता है, अ की मात्रा जो होती है वह बाद में सीखता है। कहने का मतलब यह है कि वह सामान्य से उसकी मात्रा विशिष्ट की ओर होती जाती है। बच्चा बॉल को कैसे पकड़ेगा, बड़ी बॉल पकड़ेगा, बाद में वो छोटी बॉल पकड़ेगा, हथेलियों से पकड़ेगा, बाद में वो उंगलियों से सबसे लास्ट में पकड़ेगा। तो कहने का मतलब है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर क्रियात्मक विकास होता है। यह बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ अग्रसर होता है। यदि आप चाहें कि 4 साल का बच्चा जो है वह सिलाई मशीन चलाना सीख जाए या सुई पिरोना सीख जाए तो वह नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स उस लेवल तक नहीं आई हैं, उसकी मांसपेशियां उस लेवल तक काम नहीं कर पाती है, वह परिपक्व ही नहीं हुई होती हैं। जो आपकी जो फिंगर टिप्स होती हैं वह उस समय तक परिपक्व नहीं हुई होती हैं। सबसे पहले जो है वह बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं उनका परिपक्व होती है, उनका उपयोग करना सीखते हैं। बड़ी मांसपेशियों के बाद में वह हम छोटी मांसपेशियों की तरफ अग्रसित होते हैं और उनका उपयोग करना सीखते हैं, उनका विकास होता है। इसका प्रतिमान भविष्यवाणी योग्य अवस्थाएं होती है। बिल्कुल, हम कहते हैं
6 महीने का होगी, अब तो बच्चा बैठना सीख गया होगा, साल भर का बच्चा है अब तो ये चलना दौड़ना सीख गया होगा, साइकिल चलाने पहले ट्राईसाइकिल चलाएगा बच्चा, ट्राईसाइकिल चलाने के लिए 3 साल की उम्र तक है बच्चा तो ट्राईसाइकिल चलाना सीख सकता है, 6 साल का बच्चा है तो वो जो साइकिल जो उसमें केवल 2 पहिए होते हैं वह साइकिल चलाना सीख सकता है। तो ये हम क्या करते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ यह बच्चा इस समय तक बच्चा सीख सकता है, यह इस उम्र तक बच्चे में यह क्रियात्मक विकास हो जाना चाहिए, यह क्रियात्मक विकास इस समय तक निश्चित है, इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास में यौन भिन्नताएं दी गई है, देखी गई है, बिल्कुल गर्ल्स में और बॉयज़ में हमें अक्सर देखा जाता है कि लड़की है तो वह जल्दी कैचअप कर लेती है, जल्दी उसका मूवमेंट होता है कंपेटिवली बॉयज से, ये एक थ्योरी है ना, जल्दी लड़कियां बैठना सीख जाएंगी, अगर वह गर्ल है तो जल्दी चलना सीख जाएंगी, यह क्रियात्मक विकास में भिन्नताएं गर्ल्स और बॉयज़ में देखी गई हैं। यह भी देखा गया है कि जो फाइन मसल्स हैं, जो टिप्स की मसल्स हैं, जो सूक्ष्म मसल्स हैं, उनका उपयोग जो है वह गर्ल्स जो है कंपेटिवली बॉयज़ के ज़्यादा करती है, बॉयज़ जो हैं वह लॉन्ग मसल्स का उपयोग ज़्यादा करते हैं। हिंदुस्तान में तो ये देखा गया है कि लड़कियों को गर्ल्स और बॉयज़ का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कर देते हैं, उस समय ये देखते हैं, सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ का डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं पर कुछ हद तक बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफ्रेंशिएट अभी भी किया जाता है। जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है तब बॉयज़ को खेलने कूदने के लिए प्रेरित किया जाता है और गर्ल्स को सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए प्रेरित किया जाता है। आज भी गांव में कुछ मान्यता है कि गर्ल्स हैं वो घर का काम करेंगी, बॉयज़ हैं वो मार्केट का काम करेंगे, चूँकि वह मार्केट का काम होता है तो उनमें बड़ी मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है और जो गर्ल्स घर में रह के काम करती उनमें जो स्मॉल मसल्स हैं उनका ज़्यादा उपयोग में होता है, इसीलिए क्रियात्मक विकास में भिन्नताएं पाई जाती हैं। और क्रियात्मक विकास हमने ये देखा था कौशल से निर्भर करती है, क्रियात्मक विकास में कौशल की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है और कौशल की ज़्यादा भूमिका होती है उसको सीखा जाता है, तो गर्ल्स को सिखाया जाता है स्मॉल मसल्स का ज़्यादा यूज़ करना और बॉयज़ को बिग मसल्स का यूज़ करना सिखाया जाता है, इसीलिए खेलने कूदने के लिए बॉयज़ को ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। आज भी मैक्सिमम घरों में अगर सर्वेक्षण किया जाएगा तो यह साबित हो जाएगा कि गर्ल्स को खेलने कूदने के लिए उतना प्रेरित नहीं किया जाएगा, कहाँ बाहर जाएंगी, कैसे बाहर जाएंगी, किसके साथ बाहर जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं, वहीं बॉयज़ के ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्रियात्मक विकास के अंदर यौन भिन्नताएँ पाई जाती हैं, गर्ल्स स्मॉल मसल्स को ज़्यादा यूज़ करती हैं और बॉयज़ बिग मसल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं।